हमें माफ कर दीजिए माँ, हमारी वजह से आपकी जान चली गई, लेकिन आपकी जान का बदला हमने ले लिया है माँ। छबीली और आपको हमसे दूर करके जो आंसू सितारा ने हमें दिए थे, उनका बदला हमने ले लिया है माँ। तड़पा तड़पा के मारा है सितारा को माँ। हाँ माँ, हाँ माँ, हमने सितारा को खत्म कर दिया। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम सितारा? मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो तुम? क्यों किया सितारा ऐसे तुमने? अपनी जान के बदले मेरी मेरी जान का सौदा क्यों किया? क्यों खुद को दूर किया मुझसे सितारा? तुम कौन हो?
डरो मत, मैं हरियाली हूं, तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। यकीन नहीं होता कि इस जमाने में भी लोग अपने प्यार के लिए अपनी जान दे देते हैं। इसने तो अपना प्यार साबित कर दिया, और तुम्हारा दर्द तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दे सकती हूं। दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है, मेरी सितारा की सांसें। वापस ला सकती हो तुम? हाँ। कमाल है ना, ऐसे ऐसे टाइम पे भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। वाह, सितारा सितारा कई सालों से मैं इस पीपल के पेड़ में कैद हूं, और इसकी कई शक्तियां मुझ में आ गईं। अगर तुम चाहो तो मैं इसके सहारे तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकती हूं। प्लीज प्लीज मेरी सितारों को वापस लौटा दो, प्लीज। चाहे तो इसके बदले मेरी जान ले लो, प्लीज प्लीज, इसकी जिंदगी लौटा दो प्लीज। तुम्हारी जान मेरे किस काम की? लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे चाहिए। क्या? मेरी दो शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। मुझे मंजूर है, जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, बताओ। मेरी पहली शर्त, मुझे एक महीने के लिए राजमहल में रहना है, रानी बनके पूरे ऐशो आराम के साथ। बस यही शर्त है तुम्हारी? जानती हूं मेरी ये शर्त सुनके तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। मैं 400 साल की हूं, 400 साल की, और बहुत गरीब परिवार से थी। इस राजमहल की चकाचौंध देखकर बावरियों की तरह मैं यहां आ गई, और छुपके से राजमहल में घुसने की कोशिश की, लेकिन चली तो गई पर पकड़ी गई। और तुम्हारे शक्तिशाली पूर्वजों ने मुझे श्राप देकर इस पीपल के पेड़ में कैद कर दिया। और उस दिन से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। और तुम्हारी दूसरी शर्त? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। तुम बस मेरी शर्तें पूरी करो, और मैं वादा करती हूं कि तुम्हारी पत्नी को मैं जिंदा कर दूंगी।